बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों से इस ज़बरदस्त सी बटर स्कॉच ब्रेड पुडिंग रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग अपनी किसी भी फैमिली लंच या डिनर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब इस रेसिपी को पसंद ज़रूर करेंगे। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी और इंशाल्लाह आप लोगों की दावत को चार चांद लगा देगी। चलें जी, अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जब हमारी रेसिपी का फर्स्ट स्टेप है, हमने बटरस्कॉच क्रंच बनाना है, उसके लिए मैंने हाफ कप शुगर ली है। उसको हम एक पैन में या फिर सॉस पैन में उसमें ऐसे हम शुगर ऐड कर देंगे और नीचे फ्लेम ऐसे बिल्कुल हम स्लो रखेंगे। इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट्स लगेंगे। जब यह शुगर मेल्ट होना स्टार्ट होगी तब हम इसमें पीनट्स वगैरह ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, शुगर सिरप बनना स्टार्ट हो चुका है। जब इसमें शुगर फुली तौर पर मेल्ट और डिजोल्व हो जाएगी फिर हम इसमें पीनट्स ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आकर हम इसमें चम्मच हिलाएंगे, पहले हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना शुगर से इसे मेल्ट नहीं होगी। अब इस पॉइंट पे आकर हम इसमें ये पीनट्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक बटर पेपर लेकर हम उस पर ये जल्दी से फैला देंगे, हमें ये काम जल्दी जल्दी करना है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फिर देखें, ये फौरन ही जब फ्लेम हम इसकी ऑफ़ करते हैं फौरन ही हार्ड हो जाता है। अब हम इसको बटर पेपर से अलग कर लेंगे और इसको रोलर की मदद से हम क्रश कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारा यमी सा बटर स्कॉच क्रंच रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में या बॉल में निकाल लेंगे और अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे। उसी सॉस पैन में हम अब चीनी लेंगे और उसको दोबारा उसी तरीके से मेल्ट करेंगे। जब चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। अब देखें व्यूअर्स, ये शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम उसी लो फ्लेम पर इसको पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें बटर ऐड करेंगे। व्यूअर्स देखें, चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ये 4 टेबलस्पून बटर है इसमें ये ऐड कर देंगे। अब सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब बटर को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आके फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। व्यूअर्स देखें, इसमें बटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे आकर इसमें ये 1 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इस सॉस को तब तक कुक करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाती। फ्लेम हम यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे ताकि हमारी सॉस जल ना जाए। ये देखिए, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी गुटलियाँ नज़र आ रही होंगी, इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके लिए विस्कर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो चुकी हैं और अभी लेकिन अभी ये सॉस थोड़ी सी पतली है, हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। उसके लिए हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम टू लो कर देंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम 1 कप ये व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। मैं विपी की यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्रीम बिल्कुल चिल्ड हो तभी ये सही से विप होती है। अब हम इसको विप करेंगे, जब तक इसके स्टिफ पिक्स नहीं आते थे तब तक हम इसको विप करेंगे और इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट्स लगेंगे अगर आपकी क्रीम पूरी तरह चिल्ड है तो। देखें व्यूअर्स, हमें ये रिज़ल्ट अचीव करना है, स्टिफ पिक्स आ चुके हैं इसमें। अब हमने जो सॉस रेडी की है कैरेमल सॉस, 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल 4 टेबलस्पून ऐड करके हम इसको मिक्स करते हैं। 1 टेबलस्पून मोर। अब हम अपने लास्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम 4 पीसीज ब्रेड के लेंगे, उनके ब्राउन कॉर्नर्स हम अलग कर लेंगे, इनके 4-4 पीसीज कर लेंगे। अब हम इन पीसीज को कैरेमल सॉस में डिप करते हैं। अब हमारा लास्ट प्रोसेस, बिल्कुल लास्ट स्टेप हमारा, उसके लिए हम एक सर्विंग बॉल लेंगे जिस बॉल में भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं। इसमें जो हमने ब्रेड कट की हुई है कैरेमल सॉस में, या इसको बटर स्कॉच सॉस जो भी आप कह लें, इसमें डिप करते जाएंगे और इसमें अरेंज करते जाएंगे। या ब्रेड का पूरा पूरा पीस भी रख सकते हैं या फिर कट करके रख लें, जैसे भी आपको इजी और कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब हमारा ये वाला
स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये जो व्हिपिंग क्रीम रेडी की थी ये हम लेंगे और इसके ऊपर हम लेयर ऐड कर देंगे। ये तक ऑलमोस्ट सेवन टू एट पीपल्स की सर्विंग है। आप लोग अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं सर्विंग के हिसाब से। अब हम इसको बिल्कुल एक बैलेंस लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, बैलेंस लेयर बना लेंगे इसकी चारों तरफ से। ऐसे हम इसकी बिल्कुल बैलेंसी लेयर इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके किनारों पे जो एक्स्ट्रा लगी होगी वो हम किसी साफ़ कपड़े की मदद से या टिश्यू की मदद से हम रिमूव कर देंगे। ये जो बटरस्कॉच क्रंच हमने रेडी किया था ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर हम हमारे पास कैरेमल सॉस थोड़ी सी बच गई है तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ हम थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। व्यूअर्स देखें हमारी ज़बरदस्त सी बटरस्कॉच ब्रेड पुडिंग रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह एक नई और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।